तो टीवी हो गया है अनबॉक्स, और अनबॉक्स होने के बाद कुछ ऐसी सी लुक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे दैट इज कि हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो कंपनी की तरफ से आ गया है। तो यहाँ पे दिख जाएगा गया सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है, और आप देखेंगे मैं स्मार्ट रिमोट जो है, मैजिक रिमोट जो है, उसके इस्तेमाल से इस टीवी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो लेटेस्ट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर योर टीवी, डू यू वांट टू अपडेट? यस, ऑब्वियसली बात है भाई, हम उसको अपडेट करेंगे। तो हमने कर दिया है यस और हमारा जो अपडेट है वो यहाँ पे होना शुरू हो गया। सो फर्स्ट इंप्रेशन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको दिखेंगे बहुत ही पतले पतले से बेजल्स भाई, बहुत ही स्लिम ट्रिम जो है वो यहाँ पे जो हमारा टीवी है वो होने वाला। ओके गाइस, सो अपना टीवी जो है वो अपडेट हो गया है, एंड थोड़ा सा टाइम लगता है इसको अपडेट होने में, तो इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखें। बाकी सबसे ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि भैया जब हम इस टीवी को एक्चुअल में ऑन करते हैं तो हमारा कितना टाइम है टीवी ऑन होने में लगाता। तो अभी हमारा ये टीवी जो है वो पूरा का पूरा हो गया है शट डाउन, तो मैंने ये बटन जो है उसको दबा दिया है, एंड आप देखेंगे कि कितनी सेकंड्स के अंदर हमारा जो टीवी है वो ऑन हो जाता है। तो आप देखेंगे इसका अच्छा प्रोसेसिंग पावर जो है वो काफ़ी अच्छी है। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो सिर्फ 1.5 GB रैम जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है, और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज जो है वो आपको मिलता है। स्टिल द टीवी इज एक्चुअली परफॉर्मिंग रियली वेल। सो खास करके जैसे मैंने मेन्यू खोला, आप देखेंगे काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेन्यू जो है वो काम कर रहा है, और 60Hz का रिफ्रेश रेट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से मेन्यू पूरा स्क्रॉल डाउन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। खास करके ये जो मैजिक रिमोट है भाई, इसका मज़ा एकदम ही अलग से लेवल पे आता है। बीच में एक रोलर दिया हुआ है जिसको आप ऐसे रोल डाउन करेंगे तो आपका जो है वो नीचे हो जाएगा, रोल अप करेंगे तो आपका ऐसे ऊपर हो जाएगी मेन्यू। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप किसी भी चीज़ को क्लिक करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अभी मेरा नेटफ्लिक्स वगैरह लॉगिन नहीं है, बट अगर सपोज हम यूट्यूब ही ऑन करते हैं तो देखते हैं उसको स्टार्ट होने में कितनी देर लगती है। सपोज हमने यहाँ पे यूट्यूब को क्लिक करा,